गुड मॉर्निंग। आज हम जाएगा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए, और यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है। वो जो हम लोगों के लिए लोकल गाइड वेट कर रहा है, एक्चुअली ये लोग बोल रहा था फॉर 3 पीपल 2 लोकल गाइड्स को लेना पड़ेगा, ईच 600 चार्ज कर रहा है। और वहाँ से वो लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए पर हेड 500 ले रहा है, और लाइफ जैकेट, सैंडल सब कुछ वही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से। और लगभग हाफ एन आवर लगेगा कार में, और पूरा एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके आने के लिए आने में 1 बज जाएगा, 1 या 2। और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लेक है, ये मेरे पीछे देख सकते हो ये वाला लेक, और सामने माउंटेन्स भी है, ये पीछे पूरा माउंटेन है। हम लोगों का टेंट के पीछे एक बहुत बड़ा वैली भी है, और उसमें वाटरफॉल भी दिख रहा है। पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद टेंट के पीछे लेके जाऊँगा जहाँ पे वाटरफॉल और वैली देखने को मिलेगा। ये लेक में भी हम कायकिंग कर सकता है। ये देखिए, यहाँ पे बोट दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करेगा, हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वहाँ पे क्लिफ जंपिंग भी है, हम जहाँ पे जा रहे हैं आज। और ये लेक में कल रात को यहाँ का लोकल आगे फिशिंग भी कर रहा है, सर पे हेड टॉर्च लगा के फिशिंग कर रहा था इधर, और जगह तो बढ़िया है। देखिए हम लोग का एग्जैक्ट पीछे ही है ये वाला वैली, इससे आगे जा नहीं पाएगा हमें, ट्राई करता हूँ। यहाँ तक गया था, ये देखिए हम लोगों का टेंट का पीछे ये वैली है, और वहाँ पे आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा गोप्रो में। क्या बोले, हम लोग अभी निकल रहे हैं कहाँ पर? मोशिंगराम। मोशिंगराम जिसको में निकल रहा है अभी। हम लोग क्या क्या करेंगे विवेक? वाटरफॉल नहीं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, और कायाकिंग, क्लिफ जंपिंग, और क्या ट्रैकिंग करना है। ये बुड्ढा लोग अभी जवान होंगे, ये बुड्ढा एक, ये बुड्ढा एक, दो बुड्ढा है हंसेगा, लोग लड़का को लेके आया, हम दोनों को बुड्ढा बोल रहे तो तुम पर हंसेगा। देखो हमको देख के कोई, ये तो स्टूडेंट है, बहुत पुराना स्टूडेंट है। हम लोग अभी इतना एक्सट्रीम लेवल तक आए, एक्सट्रीम तक आ गया था, जहाँ पे हमको बांग्लादेश का FM भी मिल रहा है यहाँ इंडिया में, और थोड़ा आगे जाने के बाद बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। हम लोगों को दिखाऊंगा हम लोगों का वो डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद। अभी हम लोग पहुँच गया था वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए, और यहाँ से आपको बांग्लादेश भी दिखेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, दिख रहे हैं उसके पीछे जो लैंड है वो सब बांग्लादेश है, ये एरिया ये सब बांग्लादेश पूरा। वाटरफॉल का नाम बहुत क्या? ओ भाई वाटरफॉल का नाम बोल। उम्लिकान। ठीक है, तू भी पनार लगेगा यहाँ से। ये है हम लोगों का वाटरफॉल का रास्ता, पूरा रास्ता ऐसा ही है, बिना गाइड हम जा नहीं पाएगा। ये भी है। ये हम अभी जंगल में ट्रैक करके जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के लिए। उसका नाम तो बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, यहाँ का लोकल लोगों को ही समझ में आता है। ये हम अभी पहुँच गए वाटरफॉल में। देखिए ये बैम्बू से बना हुआ है ब्रिज का, चलो
क्या हुआ, डर रहा है? ये ब्रिज भी देखिए हिल रहा है, पूरा वायर से बांध के रखा है। और वो रहा वाटरफॉल, हम चलते हैं अभी। बहुत ही डेंजर है, हिल रहे। कैसा है ये? हम लोग ये पत्ते से घुस के जाना पड़ेगा, देखिए क्या हालत है हम लोग का। होएगा ना? अभी हम लोग वो वाटरफॉल का नाम तुम ही बोलो, मेरे को नहीं पता। वाटरफॉल ट्रैक हो गया था, हम लोग अभी जा रहे हैं स्प्लिट रॉक। स्प्लिट रॉक कितना टाइम लगेगा? 45 ओवरऑल टू आने जाने में। नहीं नहीं, जाने के लिए 45 सीधा है। हाँ मतलब एक ही रास्ता। ये अभी हम जा रहे हैं वो स्प्लिट रॉक। ये जो मेरे पीछे है बांग्लादेश है वो पूरा। ये है स्प्लिट रॉक का रास्ता। 2000 मतलब 2005। ये है स्प्लिट रॉक, हम जा रहे हैं। आपको आता है ना? हाँ आता है। ये बॉडी का सब लॉक खुल जाएगा इस सब करने से ना। धीरे धीरे लकड़ी पकड़। ये असम अर्थक्वेक में ऐसा स्प्लिट हो गया था, इतना बड़ा पत्थर। ये पहले स्केल पत्थर था, अभी दो हो गया। हम ये रास्ते से नीचे जाएगा। ये देखिए हम वो ऊपर से नीचे आया और ऊपर देखिए कैसे इतना हाइट है। ये अर्थक्वेक असम में 1897 में हुआ था और उस टाइम में 8 मैग्नीट्यूड लेवल का अर्थक्वेक आया था। 8 मैग्नीट्यूड मतलब बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक है। उस टाइम ये सिंगल रॉक था, अर्थक्वेक के बाद ये स्प्लिट हो गया, तब से इसको कहा जाता है स्प्लिट रॉक। कंटिन्यू। नहीं देखेगा भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ नीचे जाने के बाद इतना अंधेरा है, हमको कुछ आगे दिख भी नहीं रहे। वेलकम चैनल, दिस इज माई गाइस, वी आर कमिंग टू द स्प्लिट रॉक, वी आर टू दिस ट्रेकिंग ट्रेकिंग। पत्थर थोड़ा हिल रहा है, बोलेगा ये देखो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज अंदरज भैया और ये विवेक और ये नीलोय। हाउ माइकल है, आप चंदन है, माइकल शान प्रिय शान। नाउ वी आर इन स्प्लिट रॉक, सो लेट्स एंजॉय दिस ब्रो। पूरा एंजॉय कर रहा है, जान हथेली में है। पीछे देखिए, यहां से ऊपर जाना पड़ेगा हमको। अभी जाना पड़ेगा, इनको पूछिए तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी। तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, आप बोलिए तो कुछ क्या होता है। नो नो, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है पर फट जाता है सब। ठीक है नीलम भैया, स्माइल प्लीज। चलो आ जाओ नीलम भैया, आ जाओ, स्माइल प्लीज। चलो
तुम्हारा बटेगा नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, दूर नहीं है, ये डाउन ही आप है, डाउन है, आ आ आ खुशरी वाला तुम्हारा पीछे में जो है उसको पूछो किसी दिन हम लोग कुछ किया था क्या नहीं जाएगा मैसला अब यहाँ रहेगा क्या और वो पर नहीं जा पाएगा आपकी तुम लोग मेरे लिए क्रेम लेके आओ खींच के लेके जाओ बाप रे कैसा है तू उतर रहा है जो अच्छा चाहिए हाँ जूता 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 अच्छा है ना फाइनली हम लोग एग्जिट गेट पे पहुंच गए यही है एग्जिट गेट अभी नीरज जा रहे लेकिन बहुत एडवेंचरस है बहुत मजा आया सबको फाइनली वी आर आउट ऑफ स्प्लिट रॉक इसलिए हमेशा फिट रहना कोई भी सिचुएशन में कोई हैंडल कर सकते हो फिट नहीं रहेगा तो यही हाल होगा अभी हम कहाँ जा रहे हैं वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट नहीं या नेक्स्ट कैनिंग कैनियनिंग ट्रैक उसमें भी ट्रैकिंग है देयर आल्सो वी हैव टू ट्रैक या वी हैव टू स्विम वी हैव टू स्लाइड ओके जंप इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हां ओह चलो उधर मिलते हैं फिर ये हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करने के लिए ये पूरा जंगल से ही जा रहा है अभी देखिए रास्ता दिखा देता हूँ मैं आपको अभी हम लोग जाएगा ये नदी ने छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है यहाँ से जाके वहाँ तक जाएगा यहाँ पे हमको सब टाइप ऑफ वाटर ट्रैकिंग और वाटर में स्विम करके जाना पड़ेगा कुछ जगह ऐसा है चलिए आगे जाके दिखाता हूँ मैं अभी हम लोग का गाइड पहले जा रहे हैं शान तुम जाके दिखाओ हम पीछे पीछे आएगा ये स्टार्टिंग में थोड़ा डीप है हमको स्विम करना पड़ेगा और अदर एंड पहुंचने के बाद आपको अगर वो लैंड मिलेगा हिंदी से बोलते ना इसको हिंदी से बता दो ऐसे करो पहले और कुछ क्योंकि है ना 250 ऐसे अंदर नहीं लाइफ जैकेट 250 kg जी जैकेट तो 250 kg ओए ओए वाह 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 क्या गया डर गया वो छोड़ दो डर गया क्या डर गया नहीं चलेगा बस जंप करने से आ जाएगा सीधा पुश करके आ जाओ देखो तुम पकड़ के लेके जाना पड़ेगा अब यहां से पकड़ो हां पकड़ो ये पीछे पे मुझे भी पकड़ना पड़ेगा भाई आ गया भाई आ गया हां पहुंच गया मुझे भी पकड़ना पड़ेगा मैं भी ऐसे ही जाएगा इतना तो नहीं यहाँ में बहुत अंधेरा हमारा नाम लो चल चल बेचो एक साथ ही जाएगा हम भी जाएंगे ना आपके साथ एक साथ ही जाएगा चल अब चिंता मत कर लो हाँ नहीं जाए आ जाओ आप थोड़ा आगे जाओ आगे आओ
अरे उसको स्विमिंग नहीं आता है, उसको क्यों बुला रहा है? एक काम हम इसे इसे ही बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ में ना मिट्टी है, मिट्टी है ये। हाँ हाँ जगह में हमेशा गाइड लेके आना है और लाया जाए कि जिसको स्विमिंग नहीं आता है। हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं आता स्विमिंग। फिर से फ्लोटिंग ऐसे रहेगा। लार्ज पीपल लाइक अस देन 3 गाइड शुड कम। ये देखिए जो होल्स दिख रहा है ना, ये सब बहुत डेंजर है। कौन सा होल कितना डीप है किसी को पता नहीं है। देखिए मिनिमम 6 फीट तो होगा ना। मैं मेरा एक पैर चले गया, यहाँ तक गया अंदर पैर। 6 फीट बोल रहा है ना। मजा आ रहा है। रुको मजा आ रहा है। कितना साल का बाप दस साल से पहले ले लो क्यों। बाद में अगर हम वहाँ में पूछा ना फोटो खींच लेगा। अरे यार हाँ चल पकड़ पकड़ आगे का देखा तो। अभी हम लोग स्विम करके वहाँ तक जाएगा, वो पूरा एंड वो वाला पॉइंट तक जाना पड़ेगा। अभी हम लोग तूफान नहीं जा रहे पहले। हाँ हो गया बस। हाँ भाई गाने ये तो कैसे जाएगा स्विम करके नहीं नहीं जाएगा। हम बहुत चेहरा है नहीं इधर है साइड पर पकड़ते हैं पुल में रखे हैं। पैर मारना नहीं है क्या? पैर मारना चाहिए, पैर मारना चाहिए ना। ये तो पूरा छोटा बच्चा है मत बता दो ना। आपने जितना नहीं है ना उसको नहीं और आगे में बहुत लंबा है स्विमिंग। फिर हमें गड्ढा है आगे, गड्ढा आगे 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 होल है तुम्हारे हाथ के पास। हाँ देखो देखो अभी हम समझे हो बाबा जान पर ने बच्चा बच्चा अभी हम हाँ चला गया। आ जाओ पानी में पानी में मेरो क्योंकि बहुत छोटा गड्ढा आगे में छोटा संभाल करो यहाँ में वहाँ तक। गहराई कितना है? वही तो बहुत गहरा है। गहरा है ऊपर से जाएगा तक जाना है वहाँ तक। वो पत्थर है वो टैंक लास्ट और दूसरा रास्ता कैसे अब देखा क्या अंदर लग रहा है। बहुत लंबा है। तुम लोग को पकड़ पकड़ के दोनों तरफ से लेके जाना पड़ेगा हम लोग। लंबा है ना इतना लंबा हुक भी लगा हुआ है ना पकड़ के लेके चलेगा। किसे करेगा दो तरफ दो तरफ देख ये क्या है किसे तरफ हुक भी काम रहा है हाँ हुक भी काम हाँ हो गया और क्या करेगा।
हाँ क्या इसके नीचे जाना पड़ेगा ऊपर जाएगा माइकल ये क्या रास्ता से तुम लाता है रे ये अपना रास्ता है क्रॉलिंग करो क्रॉलिंग करो क्लाइंबिंग करो स्विमिंग करो सब करते हो सब कुछ करो हो गया गरीब वहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए गरीब वहाँ पे वहीं पे इस तरह पे वो गरीब रखा लेकिन चाबी स्कूटी में चाबी ओ हम लोग का वाटर स्पोर्ट बहुत एडवेंचरस लगा सबको ऐसा हंस खत्म करके अभी हम सीधा घर निकलेगा आज पूरा एडवेंचर हो गया हम सबका नीलोय का क्या हाल है बहुत खराब हाल है अब मुझे गाड़ी चलाना है अभी हम घर निकल रहे हैं सब लोग थक चुका है सर खाना खा के फिर सीधा घर जाएगा सो चलो हम नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे बाय बाय बोलो बाय 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 गाइस